झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए जाने मौसम का सबसे पहला खबर। झारखंड में अगले 4 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, 14 से 15 दिसंबर को होगी बारिश। जाने अपने शहर का क्या है हाल। रांची सहित आसपास के इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक आगामी 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। 14 से 15 दिसंबर के बीच बारिश की संभावनाएं हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के आसार हैं। कल से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। विभाग की माने तो 16 दिसंबर से आसमान फिर से एक बार साफ हो जाएगा। खबर है धनबाद से। दिन दहाड़े बाइक की डिक्की तोड़कर 3,30,000 की लूट। जिले में लगातार बेखौफ अपराधियों का आतंक बढ़ते देखा जा रहा है। शुक्रवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक की डिक्की तोड़कर नगद 3,30,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र की है। पीड़िता दुग्धा निवासी अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि उन्होंने शास्त्री नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से 3,30,000 रुपए की निकासी करने के बाद रुपया अपनी बाइक की डिक्की में रख दी थी। इस दौरान बदमाशों ने डिक्की तोड़कर रुपये चोरी कर लिए। अरुण कुमार तिवारी पेशे से ठेकेदार हैं। अपने किसी जरूरी काम से बैंक से रुपया निकाल रहे थे। फिलहाल अरुण कुमार तिवारी बैंक मोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शिकायत के आलोक में पूरे मामले की तहकीकात तक शुरू कर दी है। जिले में 16 CHC सेंटर में आधार कार्ड की गलतियां सुधारने का हो रहा है काम। यह खबर है धनबाद से। अब अपडेशन सेंटर के अलावा प्रज्ञा केंद्र में भी आधार कार्ड त्रुटियां में सुधार की जाएगा। CHC के जिला प्रबंधक अंजन हुसैन ने बताया कि सुदूरवर्ती गांव देहात के लोगों को ही रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से एक बार प्रज्ञा केंद्रों का आधार कार्ड में सुधार संबंधी काम दे दिया है। सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार जिले में फिलहाल 16 CHC सेंटरों से आधार कार्ड सुधार संबंधी काम चल रहा है। यह खबर है रांची से। लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत। झारखंड हाई कोर्ट में 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। जेल से बाहर आने के लिए लालू को अभी और इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि चारा घोटाले के 4 मामलों में से एक मामले में जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई अगले 6 सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले भी दुमका कोषागार मामले में लालू की जमानत पर सुनवाई 2 बार टाली जा चुकी है। पहले इसे 6 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 के लिए इसे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि CBI ने कुछ समय की मांग की थी। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने को आधार बनाते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। यह खबर है रांची से। मरवाड़ी कॉलेज में स्नातक के विद्यार्थियों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मरवाड़ी कॉलेज के स्नातक में नामांकन के बाद विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे लेकर तिथिवार विद्यार्थियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। रोल नंबर के आधार पर विद्यार्थियों को अलग अलग कमरों में बुलाया गया है, ताकि कोविड-19 के तहत शारीरिक दूरी का ख्याल रखा जा सके। सुबह 10 बजे से 11:45 और दोपहर 12 से 2 बजे तक विद्यार्थियों को बुलाया गया है। बीकॉम के विद्यार्थियों को 16 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच बुलाया गया है। खबर है बोकारो से। बोकारो में IT और टेलीकॉम आधारित स्टार्टअप को मिल सकता है बढ़ावा। BSL और BSNL अधिकारियों के बीच हुई चर्चा। रांची के महाप्रबंधक उमेश प्रसाद शाह ने बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश से गुरुवार को मुलाकात की। BSL ने IT टेलीकॉम एवं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की संभावनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की। निदेश प्रभारी अमरेंदु प्रकाश से मुलाकात के दौरान सबसे पहले श्री शाह ने अपनी लिखित पुस्तक कल्पना टॉकीज की एक प्रति उन्हें भेंट की। रांची के DC ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता, उनकी प्रति संवेदनाशील बने, परेशानियों को दूर करें।
रामकृष्ण मिशन आश्रम में शुक्रवार को जिला स्तरीय रबी फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें रांची डीसी छवि रंजन ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, आधिकारिक और व्यक्तिगत रूप से हमारे ये कर्तव्य है कि हम उन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं और जानकारी का अभाव हो तो जरूर बताएं, साथ ही उन्हें बीजों का समय में आवंटन का निर्देश दिया। अब जानते हैं ट्रेन के ताजा अपडेट से। ट्रेन यात्रियों को लगा बड़ा झटका, रेलवे ने बदला अपना आदेश, नहीं मिलेगा जनरल टिकट। तो आखिर क्या है वजह, तो आइए जानते हैं मामला को गंभीरता से। कोरोना वायरस महामारी से उबरने में जुटे रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को फिर से एक बड़ा झटका दे दिया है। जनरल टिकट जारी करने के ताजा आदेश के बाद इसे वापस ले लिया गया है। हालांकि बीते 8 दिसंबर को रेलवे की ओर से जारी आदेश के बाद संक्रमण और जानलेवा बीमारी के कारण लंबे समय से बंद रेलवे के टिकट काउंटर खुल गए हैं। यहां आम रेल यात्रियों को जनरल टिकट उपलब्ध कराया जा रहा था। नए आदेश के मुताबिक अभी जनरल टिकट नहीं मिलेंगे, इससे गंतव्य तक जाने में आम लोगों को परेशानियां फिर से बढ़ जाएगी। अब तक रेल की ओर से छोटी दूरी की ट्रेनों तथा पैसेंजर ट्रेनों में भी एक दिन पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन रिजर्वेशन के जरिए टिकट लेने की सहूलियत दी गई थी। ऐसे में आम लोगों को यात्रा करने में अतिरिक्त सावधानी के साथ परेशानी भी उठानी पड़ रही है। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं और खेलों से। पाकिस्तान में मची तबाही, भारतीय सेना ने दिया तगड़ा जवाब, सालों रखेगा याद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि सेना की मुस्तैदी से वो लगातार अपने मंसूबों में फेल होता जा रहा है। इस बीच उसने एक बार फिर से सीज फायर उल्लंघन करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और देता आ रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेहद खराब, कल जो हुआ शर्मनाक घटना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, ममता को संविधान का पालन करना ही होगा। पर कुछ चौंकाने वाला, 50 साल से शख्स के नाक में फंसी थी ये चीज, डॉक्टर भी रह गए हैरान। खबर रूस से है, रूस से आई एक खबर चौंकाने वाली है। 59 साल का एक व्यक्ति सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। व्यक्ति का कहना था कि वो अपनी दाई नासिका के सांस नहीं ले पा रहा है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जब व्यक्ति की नाक की जांच की तो वो भी हैरान रह गए। इस व्यक्ति के नाक में एक सिक्का फंसा हुआ था जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रेलवे परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर, 15 दिसंबर से दोबारा शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। रेलवे ने आवेदन कर चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे के 21 रेलवे भर्ती बोर्ड सबके भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। रेलवे ने इसके लिए देश भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1.4 लाख वैकेंसी के लिए 2.84 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। रेलवे परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर, 15 दिसंबर से दोबारा शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, मगर देना होगा एक घोषणा पत्र। रेलवे 15 दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह भर्ती प्रक्रिया कोरोना महामारी के चलते रोक दी गई थी। रेलवे ने परीक्षा संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। परीक्षा देने वाले को मास्क पहनकर ही आना होगा, साथ ही एक घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने कोविड-19 टेस्ट कराया है और उनको कोरोना नहीं है। जो परीक्षार्थी डिक्लेरेशन नहीं देंगे उनको परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बुरी खबर आ रही है, रेमो डिसेजा को हार्ट अटैक, बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा, अस्पताल में मौजूद है परिवार। आजकल बॉलीवुड को जैसे किसी की नजर लग गई है, एक के बाद एक हो रही घटना से बॉलीवुड हिल गया है। ऐसे में एक और खबर आ रही है कि मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया है। रेमो डिसूजा को मुंबई के
कोलिकला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। किसान आंदोलन में सरजील को पोस्टर लगने पर कृषि मंत्री तोमर ने कही बड़ी बात। इस बीच टिकरी बॉर्डर से किसानों के आंदोलन के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने सरकार की चिंताएं बढ़ाने का काम किया है। दरअसल सोशल मीडिया में टिकरी बॉर्डर से किसानों के आंदोलन की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जिससे देखा गया कि राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार सरजील इमाम उर खालिद समेत कई आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी रिहाई की मांग की गई है। अमित शाह ममता को देंगे चुनौती, बंगाल में हुंकार भरेंगे गृह मंत्री। विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा पूरे पश्चिम बंगाल को कमल के रंग में रंगने को तैयार है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाल के दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। इस महीने के अंत में वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की यह एक महीने के भीतर शाह की दूसरी बंगाल यात्रा होगी। इस दौरान वो चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पूर्व सपा विधायक पर योगी सरकार का एक्शन, अनवर हाशमी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक से भूमाफिया व गैंगस्टर घोषित हो चुके आरिफ अनवर हाशमी पर लगातार कार्यवाही जारी है। कल डीएम के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ पूर्व विधायक की करीब 50 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्तियों के कुर्की की कार्रवाई की गई। पूर्व विधायक पर धोखाधड़ी, जालसाली सरकारी जमीनों पर कब्जा जैसे कुल 50 मुकदमे दर्ज है। पूर्व विधायक इस समय जेल में बंद है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल, सीओ और एसडीएम मौजूद रहे। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर, पाबंदी जींस टी शर्ट पर महाराष्ट्र सरकार का फरमान, तत्काल दिए आदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक फरमान जारी किया है। उद्धव सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि दफ्तर में जींस और टी शर्ट पहन करना है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अस्थायी और संविदा कर्मचारी सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहन कर न आए। भाजपा टीएमसी में टकराव तेज, दिलीप घोष ने कहा बंगाल का बदला लेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी दल टीएमसी और सत्ता में आने को आतुर भाजपा के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भावला हमला किया। उन्होंने कहा कि हम बदलेंगे भी और बदला भी लेंगे। वह यही नहीं टूके, उन्होंने यहां तक कहा कि सब कुछ ब्याज समेत लौटाया जाएगा। भारत पेट्रोलियम गैस सब्सिडी पर जाने आपको एलपीजी पर छूट मिलेगी या नहीं। केंद्र सरकार बहुत जल्द तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने वाली है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनी बिकने के बाद भी आपको गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। आइए जानते हैं क्या होगा आपको मिलने वाले सब्सिडी। सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको सब्सिडी फिलहाल मिलती रहेगी। डाक विभाग में नौकरी का शानदार मौका, 2582 पदों पर निकली भर्तियां। सरकारी नौकरी का सपना रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने 2582 पदों पर भर्तियां निकाली है। खास बात यह है कि ये भर्तियां 10वीं पास लोगों के लिए निकली है। मतलब अगर आप किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 पर एशियाई विकास बैंक ने 9 अरब डॉलर की वैक्सीन पहल शुरू की। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग और वितरण के लिए 9 अरब डॉलर की सुविधा शुरू की है। इससे विकासशील सदस्य देशों को कोरोना वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति में मदद मिलेगी, एडीबी ने इसकी घोषणा की है।
ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कहा, भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला हो सकती है आक्रामक। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने शुक्रवार को कहा कि भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला थोड़ी आक्रामक हो सकती है। हालांकि सीमित ओवर की श्रृंखला में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच दोस्ताना छींटाकटी देखी गई। चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला 17 दिसंबर से शुरू होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।